जलंधर जिमनी चोण दे लई कल शाम 5 बजे चोण प्रचार खत्म हो गया ते हुण कल नूं यानी कि 10 मई नूं सवेरे 8 बजे तो लैके शाम नूं 6 बजे तक वोटां पैणगियां। आखरी दिन वख-वख पार्टियां दे वड्डे लीडरां ने धूआं धार प्रचार कीता। वोटां करके जलंधर दे सारे सरकारी दफ्तरां ते विद्यक अदारियां दे विच अज ते कल दी सरकारी छुट्टी रहेगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने भी जलंधर जिले दे विच होण वालियां प्रीख्यावां नूं मुलतवी कर दिता है। नवीं तरीक छेती जारी की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल भी जलंधर दे विच ही सन, जिन्हां ने पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल मिल के लोहियां खास इलाके दे विच रोड शो कढ़िया अते वोटां मंगियां। दोवें मुख्यमंत्री वातावरण प्रेमी अते आम आदमी पार्टी दे राजसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सीचेवाल दी निर्मल कुटिया दे विच वी खास तौर ते पहुंचे। जिला प्रशासन ने कल शाम 6 बजे तो लैके कल नूं शाम नूं वोटां पैण तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल ते पूरी तरह दे नाल पाबंदी ला दित्ती है। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी सिब्बन सी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस दे राहीं कल नूं होण जा रही जलंधर जिमनी चोण नूं लैके सिविल ते पुलिस प्रशासन दे प्रबंधां ते तैयारियां दा जायजा लिया। मुख चोण अधिकारी समेत डीसी ने चोण प्रक्रिया अमन अमान ते पारदर्शी ढंग नाल निपरे चाड़न दी वचनबद्धता नूं दोहराया। कल आखरी दिन कांग्रेस दे सारे वड्डे लीडरां ने जलंधर दे विच रोड शो कढ़िया। सिद्धू, चन्नी, वड़िंग अते बाजवा इक्को मंच ते दिसे। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी नूं तां जित दी दौड़ चों बाहर दस दिता। दूजे पासे आम आदमी पार्टी ने अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ते वड्डे इल्जाम लाउंदिआं अपनी चोण रैली दे विच औरतां दे नाल दुरव्यवहार करन दे इल्जाम लाए, तां मजीठिया दी पार्टी अकाली दल ने भी जवाब दिता कि अजिहा कुछ भी नहीं होया। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हार दे डरों बिक्रम मजीठिया गुस्से दे विच लोकां ते तशद्दुद ढा रहे ने। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਮਿਲਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ, ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਜਿਹੜੇ 92 MLA ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਦਿਖਾਲੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨਾ ਫੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਹੀ ਮਿਲਣ ਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਤੇ 70 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ,
जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों नूं अपनी सरकार दीआं प्राप्तियां बारे दसदिआं कहा कि पिछलियां पार्टियां ने कोई काम नहीं किया। 2019 च कागज भरे वो तो जनतक हुंदा, वो तो सारा जो मर्जी देख लो कागज भरे, बाकी सारे तो चलो करोड़ों रुपये लिखने लिखने से। सोने वाला कलम भरिया सोने वाला, मामा भैन बैठिया चा हुंदा इन्हां नूं नक्क च कोका पाउण दा, कन्नां च सोना पाउण दा, पर नहीं चा पूरा हुंदा अज दे महंगाई दे जमाने च। पर इन्हां दा फर्क किन्ना देखो, कल्ले सोने वाला, सोने वाला खाना भरिया भी मेरे को सोना किन्ना दसन, कोई दिल का मरीज तो नहीं है। 23.5 किलो गरीबां दे घर इन्ने दाने नहीं हैगे, कित्थों आया सोना जी? है अपना सोना, पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुशियारपुर जिले के पिंड सिंबली दे विच चिट्टी वेई दे प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखने तो बाद सूबे की बनस्पति ते जंगली जीवन नूं बचाउण दे लई वड्डी पद्धर ते मुहिम विढ़न का ऐलान किया। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दे बंद हो चुके सारे बरसाती चोह ते नदियां नालियां नूं मुड़ तो जिउंदे करन दा ऐलान किया ते दस्सिया कि मुरम्मत करके इन्हां सारिआं नूं मुड़ तो चालू किया जाएगा। जिन्नियां बरसाती चोए नदियां नाले बंद हो गए, लोगों ने वाह ले, उस दरख्त उग गए, सारे दोबारे जिंदे करांगे जी, सारे दोबारे जिंदे करांगे। पर धरती दे विच पानी जाण दा कोई जरिया है ही नहीं, जां तां हड़ आउंदे है वेस्टेज जांदी है जां सुक्का है। सो जे असी धरती दे विच पानी रीचार्ज वाला कर लईए काम, असी इस वक्त महापुरश बैठे ने, उन्होंने पता है पंजाब का सिर्फ 33-34% पानी इस्तेमाल कर रहे हैं नहरी, राजस्थान 90% है, 90% उपर। जे असी 34 नूं पहले पड़ा च 60-65 ते ले जाइए, 14 लाख ट्यूबवैल ने मैं शर्त ला के कहना 4 लाख ट्यूबवैल बंद हो जाएंगे क्योंकि पानी उन्होंने कोले नहरी पहुंचने लग जाऊगा। बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर यानी कि मान दल दी पार्टियां भी आपो अपने उम्मीदवारों के हक में चोण प्रचार कर रही ने। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कल दावा किया कि साड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी 9 साल का काम महीनों के करके दिखाएगी। इल्जाम लाया कि आम आदमी पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। उधर कर्नाटका विधानसभा के लिए भी चोण प्रचार कल शाम 5 बजे बंद हो गया ते इत्थे भी कल नूं यानी कि 10 मई नूं वोटां पैणगियां। अखीरले दिन सारियां वड्डियां पार्टियां दे वड्डे लीडरां ने रोड शो कढ़े अते सियासी दूषणबाजी सिखरले पद्धर ते रही। कर्नाटका विधानसभा चोणां दे नतीजे भी 13 मई नूं आ जाणगे ते इन्हां चोणां दे विच बीजेपी कांग्रेस अते जनता दल एस दा भविख दांव ते लग्गिया होया।